इतना ब्राइट है वो प्रोजेक्टर की लेंस में फ्लेयर हो रहा है, जिसकी प्लेसमेंट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो यहाँ पर। बस आप इफेक्ट देखो, ओ भाई साहब, मतलब अब आप देखो कैसा लुक आ रहा है। गाड़ी के इंटीरियर्स जो हैं वो पूरे ब्लैक हैं, इसीलिए लाइट इतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, बट अगर अंधेरे में आप वो चीज देखने जाओ। हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पीछे मेरी घड़ी है 2023 टाटा हैरियर फेसलिफ्ट। इस वीडियो में स्पेशल नाइट रिव्यू करूंगा इस गाड़ी का, जैसे नेक्सॉन का किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सेम इस गाड़ी का करेंगे। और टाटा हैरियर बेसिकली रात के टाइम में दिखती कैसी है, चाहे वो एक्सटीरियर को लेके हो या फिर इंटीरियर को लेके हो, बिकॉज बात ऐसी है भाई, गाड़ी में सब कुछ अपग्रेड किया गया है, एक्सटीरियर को लेके लाइट्स जितनी भी हैं, इंटीरियर को लेके लाइट्स जितनी भी हैं, वही चीज़ है आपको बताऊंगा, बिकॉज नया इंफोटेनमेंट, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइट गाड़ी में आ गई, वो सब चीज़ों की बात करेंगे। एंड ये वीडियो मेरे ही चैनल पे आपको मिलेंगी देखने को, जो स्पेशल नाइट रिव्यू मैं करता हूँ, सिर्फ मैं ही करता हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फ्यूचर में और मिलेंगे। और नेक्सॉन की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो भाई, यहाँ पर कमाल की बात पता है क्या है, गाड़ी मुझे प्रॉपर अंधेरे में मिली है और बहुत अच्छे टाइम पे मिली है, रात के 9:30 बज गए हैं। तो सबसे पहले चाबी से बात करते हैं, तो यहाँ पे लॉक अनलॉक बटन, वही पुरानी वाली चाबी मिलती है। अब चाबी पे कोई भी बटन एक्सेस करोगे ना, एक रेड कलर का ब्लिंकर यहाँ पे ऑन होगा, ये देखो लाइट आई चाबी पे, अनलॉक करूंगा फिर से वो ब्लिंकर ऑन हुआ, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, लॉक करने पे फिर वो लाइट, तो ये एक लाइट आपको चाबी पे मिलती है। अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, ठीक है, थोड़ा कैमरा आउट ऑफ फोकस हो सकता है बिकॉज अंधेरा है इसी वजह से, बट ठीक है, देख लो ठीक से। तो यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी को करते हैं अनलॉक, आपको एनिमेशन मिलता है गुड बाय फंक्शन या फिर वेलकम फंक्शन का, अनलॉक करने पे वेलकम फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा पहले सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ऑन हुए, फिर आपकी कनेक्टेड DRLs यहाँ पे ऑन हो गई, जो कि काफी खूबसूरत दिखती है। अब उसके बाद अगर यही सेम चीज अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं गाड़ी के टेल लैंप्स में भी, बिकॉज यहाँ पर कनेक्टेड टेल लैंप दिए हैं, LED टेल बार जो आपको मिल जाता है, यहाँ पर अच्छा अंधेरा है तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। ये देखो, ये देख सकते हो भाई कितना वो अच्छा लग रहा है देखने में। फिर उसके बाद चाबी पे अप्रोच लैंप्स का एक बटन दिया है, जिसमें आपके नंबर प्लेट की जो लाइट है पीछे वाली वो व्हाइट कलर में ग्लो हो जाएगी, और आपके यहाँ पर टेल लैंप प्लस फ्रंट में, ये देखो आप देख सकते हो क्या है। और ये आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, 30 सेकंड, 60 सेकंड या 90 सेकंड, आपको कितना टाइम ये रखना है। आगे से कुछ ऐसा दिखता है अप्रोच लैंप, जिसमें आपके LED लो बीम आपकी ऑन हो जाएंगी, प्रोजेक्टर जो दिए हैं, एंड आपकी पूरी कनेक्टेड आपकी DRL। इसको कर देते हैं बंद। अब एक चीज़ है, गाड़ी को जब अनलॉक करूंगा ना, तो आगे वाले कैबिन लैंप यहाँ पर वाइट LED ऑन हो जाएंगी, आप देखो ध्यान से। तो गाड़ी के इंटीरियर्स जो हैं वो पूरे ब्लैक हैं, इसीलिए लाइट इतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, बट अगर आप यहाँ से देखो अच्छी खासी लाइट ऑन हो जाती है। अंदर से दिखाऊं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कुछ हिसाब है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे लाइट्स आती हैं, प्लस डोर्स में अगर आप नजर डालते हो पड लैंप्स दिए गए हैं, यहाँ पे हजार्ड लाइट दी गई है, समझो कहीं ऐसे अंधेरे रास्ते पे खड़े हो, ठीक है, गाड़ी लेके, तो ये लाइट की वजह से पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे कोई व्हीकल है जिसका डोर ओपन है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें भी पीछे की तरफ भी ये चीज़ दी गई है, और यहाँ पर भी आपको लाइट मिल जाती है, जो कि मैं बटन अगर उसका ऑन करूँ तो ये कुछ यहाँ पर लाइट थ्रो आता है, और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से ऑन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कुछ लाइट का थ्रो आता है। तो पीछे भी अच्छा थ्रो मिल जाता है लाइट का, सेम चीज़ आगे भी मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं कि जो गाड़ी का इलेक्ट्रिक टेलगेट है वो जब ऑन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ऑन होंगे, और बूट लगेज लैंप आपको यहाँ पर येलो कलर में दिया गया है, जिसकी प्लेसमेंट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो यहाँ पर प्लेस्ड है इस तरफ, अगर वो थोड़ा टिल्टेड होता ना तो पूरी डिक्की कवर करता, अभी आप देख पा रहे होंगे आधे तक की लाइट उसकी पहुँच रही है, अगर वो टिल्टेड होता ना पूरी डिक्की वो कवर करता, ये एक चीज़ है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका जो ये टेल गेट बंद करने का बटन है, ये एल्यूमिनेटेड नहीं है, किसी भी तरीके की लाइट यहाँ पे नहीं दी, मुझे लगता है अगर अंधेरे में आप वो चीज़ देखने जाओगे ना, वो चीज़ होनी चाहिए थी ताकि एक्सेस करने में काफ़ी आसानी हो जाती, बट इसको कर देते हैं यहाँ पर बंद। बूट लगेज लैंप का आपको बता चुका हूँ, प्लस मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ नंबर प्लेट लाइट आपको व्हाइट कलर में यहाँ पर दी गई है। अब है ना, मैं आपको इसकी सारी लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ बाहर से ये गाड़ी कैसी दिखती है। यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऑन, और इसके फॉग लैंप को कर लेते हैं इस पे ऑन, यस फॉग लैंप भी ऑन कर लेते हैं इस दर से, और रेयर फॉग लैंप भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और एक साइड का इंडिकेटर यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। सो आप यहाँ से देखो गाड़ी कि गाड़ी की कितनी बेहतरीन लुक आ रही है, मतलब भाई हैरियर जो दिखती है ना, आप देखो ना इतना ब्राइट है वो प्रोजेक्टर की लेंस में फ्लेयर हो रहा है, और DRLs आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इस तरफ आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, LED प्रोजेक्टर हाई बीम एंड लो बीम के लिए, फॉग लैंप यहाँ पे आपको LED में मिल जाएंगे, और अगर मैं पीछे से सभी मैंने फॉग लैंप भी ऑन कर दिए, पीछे से ओवरऑल लुक देख लो आप क्या कुछ निकल के आ रहा है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर भी सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर और फॉग लैंप्स, देख सकते हो कितना ब्रिलियंटली वो काम कर रहे हैं। एक और चीज़, यहाँ पर स्टॉप लाइट पे ब्रेक पे पैर रखते हैं स्टॉप लाइट और हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ, आप देखो ओवरऑल पीछे से कैसा लुक आ रहा है। अब मैं है ना आपको गाड़ी इंटीरियर से बताता हूँ कि क्या कुछ आपको यहाँ पर मिलता है,
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे कुछ इंटीरियर्स दिखेंगे रात के टाइम में। ब्लैक्ड आउट स्टेयरिंग व्हील इतना कमाल का दिख रहा है ना, और ये जो येलो टचेस दिए हैं यहाँ पर काफी स्पोर्टी फील दे रहे हैं ब्लैक कलर पे। यहाँ पर स्टिचिंग भी उसमें येलो में दी है इस ब्लैक सीट कवर पे, अच्छा लग रहा है। सीट कवर्स ब्लैक है, बाकी इंटीरियर्स ब्लैक है, उस वजह से ये व्हाइट लाइट है ना रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डोर्स में आपको क्या चीजें मिल जाती हैं। सो सारे जो विंडो कंट्रोल्स हैं ये आपके इल्यूमिनेटेड हैं, हालांकि जो ORVM है ना यहाँ पर, ORVM के कंट्रोल्स जो यहाँ पे दिखते हैं वो इल्यूमिनेटेड नहीं है। वो होते अच्छा होता रात के टाइम में, ड्राइविंग के टाइम में वो काफी हेल्प कर देते हैं। अब अगर यहाँ पर आप देखते हो तो आपको मेमोरी सीट फंक्शन में हर जगह यहाँ पर लाइट मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अभी मैंने 3 दबा दिया इसलिए सीट आगे आ गई, 1 पे वापस कर देते हैं। यहाँ वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है, उसमें भी आपको इल्यूमिनेटेड लाइट मिलेगी, सेम चीज आपकी को ड्राइवर साइड पे। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सारी लाइट्स को है ना मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले तो ये कैबिन लैंप बंद करते हैं, फिर गाड़ी को ही बंद कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कर लेते हैं बंद यहां से। अब आपके सामने मैं सभी कुछ यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये पहले इसको बंद होने देते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है हो गया बंद, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3 लाइट आ रही है, हैजार्ड लैंप और आपका बूट एक्सेस करने का, और यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक बटन आ रहा है। अब देखो यहां से आप एनिमेशन देखो, बस ये कुछ यहाँ पर ऐसा एनिमेशन आता है, ठीक है। यहाँ पर आपने एम्बिएंट लाइट देखा ऑन हो गई, रूफ की एम्बिएंट लाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप स्टीयरिंग व्हील पे देखा आपने, इल्यूमिनेटेड लोगो ऑन हो गया। यहाँ पर आप नजर डालोगे इंफोटेनमेंट के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर सब में आपको लाइट मिलेगी। इस तरफ आपको एडास के कंट्रोल्स या क्रूज कंट्रोल या MID से रिलेटेड कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील पे, इनमें भी लाइट आपको मिल जाती है। एम्बिएंट लाइट यहाँ से पूरी कंटिन्यू वहां तक हो रही है, जिसको आप बंद भी कर सकते हो, इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले तो एम्बिएंट लाइट का ही देखते हैं क्या कुछ हिसाब आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप नीचे जाएंगे, ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे तो मूड लैंप में आप जाएंगे तो ये कुछ कलर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, ब्लू से आप यहाँ पे रेड कर सकते हो इसको कलर में। अगर आप यहाँ पे इंटेंसिटी भी इनकी इंक्रीज कर सकते हो, कितनी इंटेंसिटी आपको रखनी है प्रॉपर, अगर रेड पे रखना है तो कुछ पिंकिश यहाँ पे शेड आता है, सेम चीज आपको वहां पे। अगर आपको मूड लैंप बंद करना है यहाँ से कर सकते हो। फ्रंट की ये वाली एम्बिएंट लाइट अगर आपको बंद करनी है तो आप यहाँ से बंद कर दो, ये वाली चालू रहेगी। और अगर आपको ऊपर वाली बंद करनी है वो बंद कर दो, ये वाली चालू रहेगी, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। उसके अलावा ये कुछ है यहाँ पर। अब एक चीज आपको मैं और एक बता दूं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख सकते हो थोड़ा पर्पल शेड यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है, काफी अच्छी लाइट्स यहाँ पे यूज की हैं। देन उसके बाद और क्या क्या चीजें मिल जाती हैं इसमें, टॉर्क पावर आप देख सकते हो। तो ब्लैक स्क्रीन है पूरी, उस पर व्हाइट कलर में लेआउट आपको मिल जाएगा हर एक चीज का, जो नंबर्स हो गए या फिर कुछ पढ़ने के लिए हो गया, प्लस अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। इसकी बात करूं इंफोटेनमेंट की, तो बड़ा इंफोटेनमेंट यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं ऊपर से इसकी ब्राइटनेस और इंक्रीज करूं, आप इतनी इंक्रीज कर सकते हो, और अगर इसको हम डिम करते हैं तो आप इतना डिम कर सकते हो, जो कि यहाँ पे अच्छी लाइट दी है। इसमें भी आपको ब्लैक, इसमें व्हाइट आपको ये मिल जाएंगे, थोड़े पर्पल शेड्स आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं सेटिंग्स बटन ये सब आपको दिखाऊं तो आप देख ही सकते हो क्या कुछ है इसे हिसाब। मूड लैंप भी मैं आपको बता चुका हूँ रात के टाइम में। ओवरऑल इंटीरियर इसके कैसे लग रहे हैं भाई, आप बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में। ये पूरा AC कंट्रोल्स आपके ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, या फिर आपके फॉग लैंप के स्विच यहां पर आ गए। फॉग लैंप का एक चीज अच्छा है, जैसे ही मैं यहां पर ऑन करता हूं, ठीक है, तो यहां पर फॉग लैंप का जो ये है वो कुछ येलोइश टाइप में हो जाएगा यहां पर। इसको करते हैं ऑन, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो येलोइश हो गया, और आगे वाला करूंगा तो वो थोड़ा ग्रीन इफेक्ट ले लेगा, जो प्रॉपर आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाता है ना, सेम चीज आपको यहाँ पे कलर इफेक्ट के साथ आपको मिल जाती है, और थोड़ा हैप्टिक फीडबैक आ जाता है यहाँ पे देख सकते हो। अब ये चीज आप देखो, यहाँ पर टेरेन चूज के लिए नॉर्मल मोड है, ये वेट मोड है, ये यहाँ पर रफ मोड है। जैसे ये करूंगा तो यहाँ पर भी दिखाएगा, और यहाँ पे एनिमेशन आएगा बहुत ही प्यारा सा। तो आप ये देखो, यहाँ पर मैं चेंज करूंगा, इसका हो गया चेंज वेट मोड इज एक्टिवेटेड, और यहाँ पर गाड़ी का प्रॉपर एनिमेशन आया है बारिश के साथ। रफ मोड में डालूंगा तो ये देखो रफ रोड मोड, देख रहे हो, इज एक्टिवेटेड यहाँ पर, और यहाँ पर भी वो चेंज हो जाता है। तो ये अच्छा है कि पर्पल इफेक्ट जो दिया है, प्लस ये सारी चीजें एक्टिवेटेड। गियर इंडिकेशन के पास देखोगे लाइट्स दी गई हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ इनमें भी लाइट है। आर्मरेस्ट के अंदर अगर आप देखते हो 12 वोल्ट के सॉकेट में आपको लाइट मिलेगी, यहाँ पे USB और C टाइप में पोर्ट में लाइट मिलेगी। एक चीज है कि यहाँ पर USB पोर्ट और C टाइप पोर्ट दिया, उसमें लाइट नहीं दी, जो कि मुझे लगता है देनी चाहिए थी। बाकी उसके अलावा यहाँ पर व्हाइट LED कैबिन लैंप का तो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप सिंगल इसमें भी ऑन कर सकते हो। एयरबैग की यहाँ पे आपको वार्निंग मिल रही है, उसमें भी लाइट है। SOS ये सब में लाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा। IRVM ऑटो डिमिंग है, उसमें ग्रीन सेंसर लाइट आपको मिल जाएगी। बाकी पीछे कितनी कैबिन लाइट है, सिर्फ पीछे की लाइट ऑन की है मैंने, तो आप देख सकते हो अच्छी थ्रो है उनकी। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये थ्रो बहुत अच्छी लाइट है भाई, ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं इसका 360 डिग्री कैमरा कैसे काम करता है इतने अंधेरे में, जितना अंधेरा मेरे आसपास है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पे आपको सराउंड व्यू मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या कुछ इसकी क्वालिटी है,
ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो कि कैसा कैमरा क्वालिटी है वगैरह। अब यहाँ पर 2D मोड है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड का दिखाऊं या ये राइट साइड का वगैरह, ये आप देख सकते हो क्या कुछ है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आप देखो, जैसी ब्रेक लाइट पे पैर रखूंगा बस आप इफेक्ट देखो, ओ भाई साहब, मतलब ब्लैक से पूरा वो रेड हो रहा है, मतलब देख रहे हो आप हाई माउंट स्टॉप लैंप में कितनी पावर है, प्लस इसके जो स्टॉप लाइट है वगैरह। 3D मोड पे अगर हम डालते हैं, गाड़ी की एनिमेशन बहुत प्यारी निकल के आ रही है, आप देख सकते हो क्या कुछ है। इस तरफ अंधेरे में देखते हैं यहाँ पर कितना स्पेस है, कुछ अगर सामान यहाँ होता इस तरफ अंधेरे में तो वो दिख जाता, इस तरफ अगर मैं नजर डालें तो आप देख सकते हो क्या कुछ है। तो अच्छा कैमरा काम कर रहा है इसका 3D मोड पे भी भाई, अच्छी वो प्रॉपर लैंड रोवर वाला फील दे रहा है जो उन गाड़ियों में आता है, प्रीमियम कार्स में। आप बताओ कमेंट सेक्शन में ये कैसा लगा। अब भाई पीछे के कैबिन की बात करते हैं, फिर आएंगे सीधा लाइट पे। तो यस चलते हैं पीछे वाले कैबिन में, क्या कुछ लाइट्स हैं खोलते हैं। अब ये लाइट तो मैं आपको बता चुका हूँ, विंडो कंट्रोल में पीछे लाइट दी गई है, अगर आप यहाँ पे व्हाइट कलर का वो देख पा रहे हो, बाकी पीछे किसी भी तरीके की लाइट नहीं है। उस वाले विंडो कंट्रोल में आपको लाइट मिल जाएगी। यहाँ पर USB पोर्ट है और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, उनमें आप देख पा रहे हो लाइट है यहाँ पर, अगर ध्यान से देख रहे हैं। एंड पीछे आप देख सकते हो कितना अंधेरा है, और इन लाइट की वजह से कितनी हेल्प हो जाती है, आप यहाँ पे देखो, इस वाली लाइट को ऑन कर लेता हूँ। सो अच्छी थ्रो है इन लाइट्स की भी, जो व्हाइट LED दी गई हैं, और बाकी पीछे एज सच कोई रूफ में लाइट नहीं है। आगे डैशबोर्ड का लुक अगर मैं दिखाऊं आपको, डोर बंद करके ये लाइट बंद हो जाएगी। अब आप देखो कैसा लुक आ रहा है, स्पेशली स्टीयरिंग व्हील का, इल्यूमिनेटेड लोगो, इंफोटेनमेंट का, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, एम्बिएंट लाइट का, ऊपर यहां पर एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो भाई, कितनी प्यारी लग रही है ये सब देखने में। ओवरऑल रात के टाइम में गाड़ी कुछ ऐसी दिखने वाली है, हाईवे पे जब ट्रैवल करोगे ऐसी कुछ यहां पर दिखने वाली है, और किसी भी तरीके की लाइट आपको पीछे नहीं मिलती। अब बात करते हैं इसकी मेन हेडलैम्प और फॉग लैम्प का क्या थ्रो है अगर आप ऑन करते हो रात के टाइम में। पहले तो भाई कर लेंगे हम शीशे को साफ ताकि लाइट सामने अच्छी खासी दिखे, यहां पर इसको कर लेते हैं साफ, ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी विंडशील्ड साफ। अब है ना, मैं यहाँ पर इसके अभी पायलट लैंप चालू है, ठीक है, मैंने ये जो बटन्स पे लाइट आई है वगैरह इसको कर लेता हूँ बंद, और DRLs का ग्लो देखो अचानक से कितना आएगा, दिन के टाइम में सोचो कितनी वो ब्राइट होगी। ये देखो ये DRLs ऑन पूरी ये उस पर है, अब जैसी पायलट लैंप ऑन करूंगा वो डिम हो जाती है थोड़ी सी, आप देख रहे हो फर्क, देख रहे हो आप इस तरफ अगर आप देखो, ये देखो तो अच्छा है। अब है ना गाड़ी के यहां पर मैंने कर ली लो बीम ऑन, ठीक है, अगर मैं लो बीम ऑफ करके पहले तो आपको मैं फॉग लैम्प दिखाता हूं इसके फ्रंट वाले, ये देखो ये सिर्फ फॉग लैम्प है और ये फॉग लैम्प ऑन एंड ऑफ कर रहा हूं मैं, सिर्फ फॉग लैम्प, ठीक है। अभी मैं यहां पर लो बीम ऑन करूंगा इसकी, आप देख सकते हो क्या है लो बीम का ओवरऑल थ्रो, और इसी के साथ फॉग लैम्प भी ऑन कर लूंगा, तो जो बचा कुचा इस एरिया में अंधेरा रहता है ना वो फॉग लैम्प काफी अच्छे तरीके से पूरा करता है उसकी कमी, ये देखो आप देख रहे हो। अब इसी के साथ साथ मैं हाई बीम ऑन करता हूं फॉग लैम्प के साथ, बस आप देखो ये व्हाइट LED कितने ब्रिलियंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं हाई बीम कर दूं और अगर फॉग लैम्प बंद कर दूं तो भी आप देखो जो बचा कुचा नीचे की तरफ रोड पे अंधेरा होगा उसको ये फॉग लैम्प बहुत अच्छा यहाँ पे काम करके दे रहा है। तो ये है पूरा पूरा, और अगर मैं यहां पर सब लाइट बंद करके दिखाऊं आपको, ठीक है, फॉग लैम्प भी कर लेते हैं बंद और सिर्फ इंडिकेटर देके दिखाऊं तो आप देख सकते हो क्या कुछ फीडबैक है इंडिकेटर का, ठीक है, यहाँ पर। एंड ऑल्सो अगर मैं सिर्फ पास दूं यानी कि अपर डिपर, आप देखो देख रहे हो भाई बहुत गजब यहाँ पे लाइट्स हैं इसकी, सही बता रहा हूं। एक और चीज है, गाड़ी में ना कॉर्नरिंग लैंप्स भी दिए जाते हैं कि मतलब जिस तरफ टर्न करोगे आप, जैसे कि लेफ्ट में मैं टर्न करूंगा आप बस देखना वो लैम्प ऑन हुआ, वापस इसको सीधा करेंगे तो वो एकदम सॉफ्टली बंद होंगे लेफ्ट की तरफ वापस, ये देख सकते हो आप, तो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आप देखो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सो कॉर्नरिंग लैंप्स भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो ये था पूरा मेरा डिटेल्ड वीडियो, स्पेशल नाइट रिव्यू टाटा हैरियर का, सफारी का जरूर देखना, नेक्सॉन का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। कैसी लगी आपको गाड़ी ओवरऑल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, आगे से आप लुक देखो, और एक बार पीछे से अगर मैं लुक दिखाऊं तो आप यहां से देखो, ये देख रहे हो भाई बहुत ही कमाल की लग रही है गाड़ी। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, सपोर्ट करो, जरूरत है और कोई बात नहीं है, एंड आगे ऐसी वीडियोस और आएंगी। भाई कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, मुझे तो भाई इसका स्पेशली फ्रंट पार्ट काफ़ी सही लगा। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। गजब लग रही है यार।